हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल को खुश रहती। 1 kg चॉकलेट केक का ऑर्डर है। 300 ग्राम केक प्रीमिक्स ले लिया है। 240 ml कप से 1 कप पानी, चुटकी नमक, आधा चम्मच वेजिटेबल ऑयल और चॉकलेट एसेंस डाल के हमने बना लिया बैटर। 6 इंच केक टिन में वाटर पेपर लगा दिया। टैप टैप करके प्रीहीट ओटीजी में बेक होने छोड़ देंगे। नीचे की रोड ऑन रखी थी, 45 मिनट के लिए बेक होने छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने 240 ml कप से 2 कप हमने विप क्रीम ले ली है। पहले 3 की स्पीड में विप करेंगे। हमारी विप क्रीम प्रॉपर मेल्टेड है पर सुपर चिल है, तो 3 की स्पीड में क्यों पहले विप करना है? कभी कभार हमारी आइस क्रिस्टल जो होते हैं वो विप क्रीम में रह जाती है, तो वो विप क्रीम हमारी प्रॉपर विप होने के बाद मेल्ट होते हैं आइस क्रिस्टल, तो हमारी क्रीम जो मेल्ट होती है वो वही कारण होता है। तो यहाँ पे देखो, मैं 7 की स्पीड में विप कर रही हूँ। पहले हल्की सी रनी थी, अभी देखो प्रॉपर हमारे ये विप क्रीम विप हो गई। उसे ठंडा होने छोड़ देना है, फ्रिज में बाद में यूज़ करना है। चॉकलेट कंपाउंड मैंने डार्क चॉकलेट मेल्ट कर लिया है, उसमें कुछ भी नहीं डाला। सिलिकॉन मोल्ड मैंने ले लिया, उसमें मैं स्प्रेड कर रही हूँ और अच्छे से टैप कर रही हूँ, तो अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। उसे मैं ठंडा होने छोड़ दूँगी फ्रिज में। ये हमारा केक बन के रेडी हो गया। देखो कितना अच्छा हमारा केक फूल के आया है। और यहाँ पे देखो ऊपर की डोम शेप है वो मैं हटा दूँगी और बाकी की 4 लेयर काट लूँगी, तो ही तभी हमारा केक टॉल बनेगा। तो इक्वल हमें काटनी है, तो मैं चाकू से मदद से प्रॉपर मार्क कर रही हूँ। ये मार्क करने के बाद आप धागे से भी काट सकते हैं, यहाँ पे मैं चाकू से ही काट लिया है। तो हमारा ये चॉकलेट केक ड्राई होता है तो उसे अच्छे से सोक करना है। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी चीनी पानी और चॉकलेट गनाश। तो चॉकलेट गनाश हमने बनाया है, एक पट्टी पूरी ले ली 100 ग्राम की, उसमें मैंने 50 ग्राम व्हिप क्रीम डाल दिया और डबल बॉईल मेथड से रेडी कर लिया। तो उसे ठंडा होने के बाद व्हिप क्रीम में डालिए और चॉकलेट क्रीम हमारी रेडी हो जाएगी। और 2 चम्मच मैंने चीनी 1 कटोरी में घोल लिया है, उसे हम सोक करेंगे। तो नीचे की लेयर थोड़ी कम सोक करनी है क्योंकि सारा जो वेट है हमारी ये वाली लेयर पे आएगा। यहाँ पे चॉकलेट चीनी पानी से सोक करने के बाद चॉकलेट क्रीम स्प्रेड करेंगे ऊपर गनाश, और प्रॉपर चॉकलेटी टेस्ट देने के लिए हम चॉकलेट कंपाउंड भी ग्रेट करके डालेंगे। तो हमें दूसरी लेयर ले लेनी, उससे भी चीनी पानी से सोक करनी, वही मेथड हमें करना है रिपीट। तो यहाँ पे देखो अभी गर्मी के दिन है तो चॉकलेट क्रीम हमारी पहले जो जम जाती है वो दिक्कत नहीं आती। देखो गनाश भी कितना अच्छा से स्प्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे मैं हर एक लेयर में चॉकलेट गनाश चॉकलेट कंपाउंड लूँगी और हर एक लेयर को अच्छे से सोक करना है। और जो हमारी टॉप लेयर जो लास्ट वाली लेयर है उसे दोनों तरफ से सोक करना है, क्योंकि क्रम कोटिंग के बाद हम फ्रिज में ठंडा होने केक को छोड़ेंगे, तभी हमारा केक ड्राई हो जाएगा। तो वो ड्राई हो जाएगा आइसिंग के बाद भी फिर हमारी केक के ऊपर क्रैक आते हैं वही दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए टॉप लेयर देखो मैंने उल्टा पहले सोक कर लिया, फिर ऊपर से भी अच्छे से सोक कर लूँगी। और हर एक लेयर को इक्वल हमें देख लेना है ऊपर नीचे से, जो एक लाइन में आए, नहीं तो हमारा केक टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं क्रम कोटिंग चॉकलेट क्रीम से ही कर लूँगी। और ये पूरी केक की चॉकलेट ही है, उसकी डिजाइन भी ऐसी ही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं इसमें क्रीम ज़्यादा यूज़ करूँ कम यूज़ करूँ, क्योंकि पूरा डार्क चॉकलेट केक बनाना है। तो यहाँ पे मैं फिनिशिंग दे रही हूँ अच्छे से, क्योंकि चॉकलेट क्रीम जो ये वाला डिजाइन मुझे बनाना था ड्रिपिंग वाला, तो यहाँ तक मैं कर लिया था। लेकिन हुआ क्या, गनाश हमने रखा था रूम टेम्परेचर पर और हल्का सा लूप वर्म किया और अच्छे से ऊपर की डिजाइन हो गई, तब तक हमारा गनाश जम गया था। और ड्रिप जो हुई थी वो दिखने में अच्छी थी लेकिन मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने वापस हल्का सा गुनगुना पानी लिया और बाद में उसे अच्छे से क्लीन कर लिया और डिजाइन और कर लूँगी। नीचे मैंने बॉर्डर बना ली थी और हल्का सा गोल्डन स्प्रे कर लिया था और ऊपर डेकोरेट